ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या चतुस्सप्ततितमी 74वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 73 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं चौथे अध्याय की। संपूर्ण चतुर्थ अध्याय की एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, अष्टाध्यायी भाष्य चतुर्थोध्याय प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसी में आपको सारी कक्षाएं क्रमानुसार उपलब्ध होंगी। आज हमारा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होने जा रहा है, अर्थात हमने 74 कक्षाओं में आपको ये पूरा संपूर्ण चतुर्थ अध्याय पढ़ा दिया, ये मानिएगा आज आज पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा अध्याय जब भी आपको पढ़ने की इच्छा हो तो यहाँ प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही देववाणी संस्कृतम देव ऐप ऐप के अंदर आप पीडीएफ के साथ भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास में पुस्तक नहीं है, मानो आप पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, तो ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये पीडीएफ आपको प्रत्येक कक्षा की उस ऐप के अंदर मिल जाएगी प्रत्येक वीडियो के साथ। वहां पर आपको बिना पुस्तक के भी आराम से पढ़ने का अवसर है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक यहां दे दिया गया है। ठीक है, उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर से देववाणी संस्कृतम ऐप को अपने मोबाइल में अथवा कंप्यूटर आदि पर कहीं पर भी आप उस ऐप को प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको 134 सूत्र तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो गत कक्षा में हमने अभी संस्कृतम 134वां सूत्र पढ़ा दिया था आपको। अब इससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, सहस्रेण सम्मितौ घः। सहस्रेण तृतीय विभक्ति एकवचनांतम, सम्मितौ सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम, घः प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है छंदसी तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः तृतीय समर्थः सहस्र प्रातिपदिकात् सम्मिता तस्मिन्नर्थे छंदसी विषये घः प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ सहस्र प्रातिपदिक से सम्मितौ, सम्मितौ का अर्थ तुल्य, समान करना, ये अर्थ में छंद विषय में घः प्रत्यय होता है। ठीक है, तृतीय समर्थ यहां तृतीय विभक्ति निर्देश से ही तृतीय समर्थ विभक्ति जाननी चाहिए। तो उदाहरण दिया गुरु जी ने यहां पर, सहस्रेण सम्मितः सहस्रयोग्निः। तो सहस्त्र माने हजार से, हजार के समान माने ठीक है, हजार से समान ऐसा कह सकते हैं, हजार के द्वारा जो तुल्य किया गया,
ठीक है। अर्थात ऐसा मानिएगा कि कोई वस्तु है, कुछ भी है, आप पैसे हैं, अर्थात दो राशि हैं। एक राशि मानिएगा ऐसा, एक राशि है आपकी 100,000 की, ये हम ये 100,000 मानते हैं, ठीक है, 100,000, हम 100,000 इसलिए कह रहे हैं, 1 लाख भी कह सकते हैं, पर 100,000 अभी मान रहे हैं। और एक राशि है आपकी 99,000, ठीक है। अब क्या है, सहस्र माने 1,000, इसमें इससे 1,000 कम है, ये 99,000 है और ये 100,000 है, तो 1,000 रुपये इसमें कम है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें 1,000 मिलाकर के इसके समान कर दिया, 100-100 बराबर कर दिया। इस प्रकार के अर्थ में इसका प्रयोग है, पर छंद में ये देखना पड़ेगा मंत्र में किस अर्थ में आया हुआ है, वहां क्या प्रसंग बैठता है। तो सहस्र यह अग्नि है, तो सहस्र और घ, घ को ये हो जाएगा, सहस्त्रीय बन जाएगा। मतौच, मतौ सप्तम व्यक्ति एकवचनांतम चाव्य पदम अनुवृत्ति सहस्त्रेण घ छंदसी तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चिम की अनुवृत्ति। अर्थ प्रथमा समर्थात सहस्र प्रातिपदिकात् मत्वर्थे घ प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। ये कह रहे हैं कि प्रथमा समर्थ सहस्त्र प्रातिपदिक से मत्तु, मतुप के अर्थ में, मतुप का अर्थ क्या है, तदस्य अस्तिस्मिन इति मतुप, माने अस्य अस्ति अस्य अस्मिन, माने अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति, तो वो मतुप प्रत्यय होता है, वो प्रथमा समर्थ से कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए मतुप अर्थ कहने से अपने आप प्रथमा समर्थ ले लिया है, ठीक है। तो प्रथमा समर्थ सहस्त्र में मतुप के अर्थ में, मतुप का अर्थ होगा, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होगा, तो घा प्रत्यय हो जाता है छंद विषय में। तो सहस्रम अस्य विद्यते सहस्रियः, माने सहस्त्र है जिसका, वो सहस्रिया कहलाएगा, बस मतुप का अर्थ हो गया, वही गुरु जी ने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा विशेष लिख दिया है और देख लीजिएगा। तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप में प्रथमा समर्थ कहा है, अतः यहां भी प्रथमा समर्थ ले लिया है, ठीक है। तपः सहस्त्राभ्याम विनीनि अणच, ये पांचवें अध्याय में हम सूत्र पढ़ेंगे 102 और 103 में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये मतुप के अर्थ के हैं, ठीक है। तो यहां पर सहस्त्र शब्द पड़ा हुआ है, सहस्त्र शब्द से क्या, इन दोनों सूत्रों से सहस्त्र शब्द से मतुप मत्वर्थ में इनी और अण प्रत्यय कहे हैं। यहां पर क्या कहा है, सहस्त्र शब्द से अण कहा है और इन्हीं प्रत्यय कहा है ये, तो ये प्रत्यय है। तो छंद विषय में यह उनका अपवाद है, छंद विषय में सहस्त्र शब्द से विनी और इन्हीं प्रत्यय नहीं होंगे, क्या प्रत्यय होगा, घ प्रत्यय होगा, हाँ भाषा विषय में हो जाएगा, ये ध्यान कर रखेंगे। चलिएगा ये हो गया, सोम अर्हति यह, सोमम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम, अर्हति क्रियापदम, यह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति छंदसी तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ द्वितीय समर्थात सोम शब्दात अर्हति ते तस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययो भवति छंदसी विषये। द्वितीय समर्थ सोम शब्द से अर्हति, अर्हति माने योग्य होता है, इस अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो सोमम अर्हति, सोम्याह ब्राह्मणाह, अरे सोम के योग्य, सोम को पीने के योग्य जो ब्राह्मण, वो क्या कहलाएंगे, सोम्याह ब्राह्मणाह। तो यहाँ पर सोम ये द्वितीय व्यक्ति निर्देश से द्वितीय समर्थ व्यक्ति ले ली गई है, ठीक। चलिएगा मये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम चाव्य पदम अनुवृत्ति सोमम यह छंदसी तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ सोम शब्दात मये अर्थे यह प्रत्ययो भवति छंदसी विषये, माने सोम शब्द से मये अर्थे, ये मय अर्थ क्या है, ये है मयट प्रत्यय,
हमने 34वें अध्याय के तृतीय पाद में आपको पढ़ाया था मयट प्रत्यय। तो मये अर्थे का अर्थ है मयट प्रत्यय जिस अर्थ में है, ठीक है। तो वो किन किन अर्थों में अभी बात करेंगे नीचे। तो मयट के अर्थ में क्या होता है, सोम शब्द से या प्रत्यय होता है छंद विषय में। तो जैसे सोमस्य विकारो अवयवो वा सौम्य, तो यहां पर सोम शब्द से, अब ये मयट वहां पर हमने विकार तस्य विकारः है और अवयवे च प्राण्यो षद वृक्षेभ्य, और वहां पर मयट प्रत्यय का उस प्रकरण में मयट वही तो विभाषा विभाषा आदि करके, ठीक है। तो वहां पर अवयव और विकार अर्थ में सौम्य बनता है, तो यहां पर बन गया छंद विषय में। ऐसे ही मयट प्रत्यय आगत अर्थ में सोमाद आगतम सौम्यम, यहां पर भी आगत अर्थ में भी मयट प्रत्यय कहा एक। और सोमः प्रकृतः सौम्यः, प्रकृतः माने बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, माने बहुत। सोमः प्रकृतः का अर्थ है सोम अधिक मात्रा में, तो वो क्या कहता है सौम्यः। सौम्यः का अर्थ हो जाए बहुत मात्रा में सोम। ये सोम कोई बहुत अच्छा कोई रस प्राचीन काल में था, सोम रस जिसको बोलते हैं, उसी की बात है, ठीक है। अब यहां पर सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, सिद्धियां सबकी एक जैसी हैं सोम शब्द से। अब यहां पर गुरु जी ने लिखा है कि मयट किस किस अर्थ में होता है। एक तो ये है मयट वही तयोर भाषा वक्षाच्छादन यो हो, ठीक है। क्या विकार और अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय, ये इस सूत्र से हुआ था विकार और अवयव अर्थ में, ठीक है। और मयट च ये 4382 इसमें भी क्या था, मयट च आगत अर्थ में प्रत्यय हुआ था, मयट प्रत्यय आगत अर्थ में भी था। और एक तथा पांचवें अध्याय में आएगा तत् प्रकृत वचन ये मयट, या प्रकृत वचन में माने प्रचुरता के अर्थ को कहने के लिए भी मयट प्रत्यय होता है। 5421 आगे पढ़ेंगे से प्रकृत माने प्राचुर्य अर्थ में मयट कहा है। तो इन सब अर्थों में यहां सोम शब्द से यह होगा समर्थ विभक्ति का योग, जहां जहां जिस समर्थ से मैट कहा है उसी प्रकार यहां भी रहेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। यह समर्थ व्यक्ति जैसे यहां पर षष्ठी से कहा है मैट मैट और भाषा, ये ठीक है, भाषा भाषा भाषायाम अवक्षाच्छादन यो हो। तो यहां पर षष्ठी समर्थ से होगा, यहां पर पंचमी समर्थ से कहा है मैट चमे, और यहां पर प्रथमा समर्थ से कहा है, तो यहां प्रथमा समर्थ से होगा। तो इस प्रकार से ये तीन अर्थों में मयट प्रत्यय का विधान किया गया है। तो तीन अर्थों में यहां पर सोम शब्द से छंद विषय में मयट के अर्थ में यह प्रत्यय हो जाएगा, बस इतना ही, ठीक। मधो हो, मधो पंचम व्यक्ति विज्ञान अनुवृत्ति मये छंदसी यत तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रश्न अर्थ मधु प्रातिपदिकात् मये अर्थे यत प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। मधु प्रातिपदिक से मयट के अर्थ में, मये अर्थ मयट के अर्थ में यत प्रत्यय होता है, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाले सूत्र में तो यह प्रत्यय था, इसमें यत प्रत्यय है, यत इसलिए कर स्वर में भेद आ जाएगा, ठीक है। यह प्रत्यय अंतदात होता है और यत प्रत्यंत शब्द अंत स्वर को होता है, ठीक है। तो यहां पर मधु से मधव्यान स्तोकान, तो यहां पर भी वही सारे अर्थ हैं, मधु का विकार अथवा अवयव अथवा मधु से आया हुआ अथवा प्रचुर मात्रा में मधु, वो सारा क्या बन जाएगा, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत का प्रयोग दिखा दिया हमें, उदाहरण इतना बनाना है मधु, और आपका जो समर्थ व्यक्ति होगी वो आ जाएगी, और यहां पर यत प्रत्यय होगा या और गुणा से गुण हो जाएगा, वान तो प्रत्यय से अब आदेश हो जाएगा तो मधव्य बन जाएगा, फिर ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत रूप चला दिया मधव्यान स्तूकान, ठीक है। तो मदभ्यान स्तोकान के कई अर्थ हो जाएंगे, जो मैटक के सभी अर्थ हैं उतने, ठीक है।
वसोह समूहे चौ। हाँ वसोह सप्तम पंचमी व्यक्ति एकनांतम समूहे सप्तमी व्यक्ति एकनांतम चाव्य पदम अनुवृत्ति मये छंदसी यत तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च इनके अनुवृत्ति ठीक। अर्थः वसु प्रातिपदिकात् समूहे वाच्ये मयर्थे च यत् प्रत्ययो भवति छंदसी विषये। वसु प्रातिपदिक से समूह वाच्य माने समूह को कहना हो और मय अर्थे च और मयट के अर्थ में दो अर्थ आ गए यत् प्रत्यय होता है ये ठीक है। तो वसोह समूहो विकारो अवयवो वादिर वा वसव्यः तो मयट के जितने अर्थ वो आ जाएंगे और समूह तो वसु का समूह तो वसव्य हो जाएगा। तो ये आपका वो ये वसु है और गुणा लग करके और वांतो प्रत्यय से अवादिश होकर के वसव्य बन गया ठीक। चलिए नक्षत्रात घ नक्षत्रात पंचमी व्यक्ति एकनांतम घ प्रथमा व्यक्ति एकनांतम अनुवृत्ति छंदसी तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्न ठीक है। नक्षत्र शब्दात घ प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। नक्षत्र शब्द से घ प्रत्यय होता है छंद विषय में। कहते हैं अर्थ तो बताया नहीं किस अर्थ में होता है तो कहते हैं अर्थ विशेषस्य अविधानात स्वार्थे प्रत्ययो भवति। अर्थ विशेष के अविधान माने न बताने के कारण से क्या है ये प्रत्यय स्वार्थ में ही होता है। माने नक्षत्र शब्द का जो अर्थ है और नक्षत्र शब्द का जो अर्थ है फिर प्रत्यय आ जाएगा आपका घ तो भी नक्षत्र ही अर्थ रहेगा। स्वार्थ का मतलब ये है कोई नया अर्थ नहीं है जो पहले अर्थ था प्रत्यय आने से पहले जो अर्थ था प्रत्यय आने के बाद भी वही अर्थ ठीक है। तो कहते हैं नक्षत्राण्येव नक्षत्रियाणि नक्षत्रेभ्यस्वाहा। तो नक्षत्राणी कहें या नक्षत्रियाणी कहें ये घ प्रत्यय होगा नक्षत्रियाणी और ये वैसे ही सामान्य है तो दोनों का एक ही अर्थ है। नक्षत्रेभ्य स्वाहा या नक्षत्रियेभ्य स्वाहा तो ये स्वार्थ में ठीक है। सर्वदेवातातिल सर्वदेवा पंचमी व्यक्ति वचनांतम तातिल प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास सर्वश्च देवश्च सर्वदेवम तस्मात् सर्वदेवात् समाहारो द्वंद्वः ठीक है। अनुवृत्ति छंदसी तद्धिता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ सर्वदेव प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी विषये तातिल प्रत्ययो भवति अयमपि स्वार्थे प्रत्यय। सर्वदेव प्रातिपदिक से छंद विषय में तातिल प्रत्यय हो जाता है और इसका भी कोई अर्थ विशेष नहीं है तो ये भी स्वार्थ नहीं है। सर्वताति ठीक है तो सर्व माने सर्वताति सर्व एव सर्वताति सर्व का भी वही अर्थ है सर्वताति का भी वही अर्थ छंद में। ऐसे देवताति देव का जो अर्थ है वही देवताति का अर्थ है। ये स्वार्थ में आया है इसलिए ये क्या है प्रथमा समर्थ से आएगा सर्वसुताति तातिल और देवसुतातिल ऐसे आया प्रथमा समर्थ ठीक है। तो ये भी स्वार्थ में है। शिव शमरिष्टस्य करे शिव शमरिष्टस्य षष्ठी व्यक्ति योजनांतम करे सप्तमी व्यक्ति योजनांतम समास शिव इत्यत्र समाहारो द्वंद्व अनुवृत्ति तातिल छंदसी तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अच्छा यहाँ पर समास है इत्यत्र समाहार द्वंद्व कर दिया तो यहाँ पर समास करेंगे शिवश्च शमच अरिष्टश्च शिव शमरिष्टम तस्य शिव शमरिष्टस्य ठीक है। तो के अर्थ शिव शमर अरिष्ट इत्येतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य कर इत्येतस्मिन् अर्थे तातिल प्रत्यय भवति छंदसी विषये ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ पर क्या है षष्ठी विभक्ति है तो वास्तव में ये षष्ठी ऐसी माननी पड़ेगी लुप्त पंचम्यंत निर्देश मानना पड़ेगा लुप्त पंचम्यंत निर्देश। तो इन शब्दों से प्रत्यय का विधान करना है तो पंचमी चाहिए और षष्ठी समर्थ दिखाना है षष्ठी इसलिए षष्ठी विभक्ति तो षष्ठी समर्थ यहां पर अपने आप इसी से आ गया है षष्ठी विभक्ति निर्देश से
और प्रत्यय विधान विधि में क्या है इसको लुप्त पंचम्यंत मानना चाहिए अथवा पंचम्य अर्थे षष्ठी ऐसा मान लेना चाहिए, पंचमी के अर्थ में षष्ठी का विधान है यहां पर, ऐसा भी माना जा सकता है। ठीक, पंचमय जब षष्ठी व्यक्त षष्ठी समर्थ लेंगे तो षष्ठी व्यक्ति है, और प्रत्यय विधान करेंगे तो ये पंचमी के अर्थ में बदल जाएगी, से अर्थ में षष्ठी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन शब्दों से षष्ठी समर्थ प्राप्त कौन से, कर, कर कर का अर्थ करना, करोति थी करह, ये लिखा है करोति थी करह माने करने वाला, करने वाला, इस अर्थ में तातिल प्रत्यय होता है छंद विषय में। शिवम करोति शिवताति, शिव को जो करने वाला, कल्याण को करने वाला। ऐसे शम करोति शंताति, शम को करने वाला कल्याण। अरिष्टम करोति अरिष्टताति, कुछ विशेष नहीं है, प्रत्यय हो गया सामान्य। ठीक है, अंतिम सूत्र चौथे अध्याय का, भावे च, भावे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम अनुवृत्ति, शिव शम रिष्टस्य तातिल छंदसि तद्विता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्चेन्द्र अनुवृत्ति। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यः शिव शम अरिष्ट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छंदसि विषये भावेऽर्थे तातिल प्रत्यय भवति। कहते षष्ठी समर्थ शिव शम अरिष्ट इन प्रातिपदिकों से छंद विषय में भावेऽर्थ, भाव अर्थ, भाव। ठीक है, तो भाव अर्थ में तातिल प्रत्यय होता है, तो शिवस्य भावः शिवताति ही, तो भाव माने होना, शिव का होना, कल्याण का होना, क्या है शिवताति ही, शंताति ही और अरिष्टताति ही। ठीक है, अरिष्ट का होना, शम का होना और शिव का होना, तो ये तीनों शब्द क्या है, वास्तव में कल्याणकारी, कल्याण के बोधक है, तो कल्याण का होना, होना ऐसा आ जाएगा, भाव का अर्थ है होना ही। चलिएगा, ये आपके चतुर्थ पाद के चारों पाद, इति चतुर्थः पादः समाप्तश्च तच्चतुर्थोऽध्यायः। चार अध्याय हमने आज तक आपको पढ़ा दिए। ठीक है, ध्यान देंगे, ये अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अभी समय है। ये जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है, ये तीन भागों में है, क्या है, तीन भागों में है। ठीक है, हमने आपको ये इस प्रथम भाग में पहला अध्याय, द्वितीय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तीनों अध्याय पढ़ा दिया, आपको पूरे तैयार है YouTube पर और ऐप के अंदर। ठीक है, और ये दूसरा भाग था, इसमें पांच, चौथा और पांचवा अध्याय है। चौथा अध्याय हमने आज पूर्ण कर लिया, 74 कक्षाओं में हमने आपको क्या कर दिया जी, चौथा अध्याय कंप्लीट करा दिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन एक कक्षा के हिसाब से पढ़ते हैं तैयारी के साथ में, ऐसे नहीं कि वीडियो सुनने से मात्र से कुछ नहीं हो, तैयारी करनी पड़ेगी पूरी, तो इस चौथे अध्याय को लगभग 2.5 माह में पूर्ण कर सकते, क्योंकि यहां पर तो कोई छुट्टी नहीं है आपके लिए, आपके गुरुजी यहां अवेलेबल हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। कहीं पर आप गोकुल में आश्रम में पढ़ने जाते हैं तो कभी गुरुजी कहीं चले गए कार्यक्रम में दान दक्षिणा लेने के लिए, अथवा घर पर चले गए, घर परिवार के कार्यों में लग गए, अथवा गोकुल में कोई आदमी, कोई अतिथि आ रहे हैं उनकी सेवा आदि कराने में लग गए, अथवा स्वयं बीमार आदि हो गए, तो कक्षा बंद हो जाती है। पर ये ऑनलाइन गुरुजी ऐसे ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और यदि आपको कोई समस्या है तो आपके लिए रुके भी रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति यदि पढ़ने का इच्छुक चौथे अध्याय को पढ़ते तो 2.5 माह में कंप्लीट कर सकते हैं, मनोयोग से पढ़ेंगे परिश्रम पूर्वक। तो इसी प्रकार से जो इसका तीसरा अध्याय था, तीसरे अध्याय में भी लगभग हमारी, अभी हम बता देते हैं कितनी कक्षाएं हुई थी, क्योंकि ऐसे ध्यान तो नहीं रहता, यहां देखना पड़ेगा। ठीक है,
तीसरा अध्याय पूरा हमने आपको तीसरा अध्याय हमने आपको पढ़ाया था 123 कक्षाओं में, ये तीसरा अध्याय। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो 4 माह में पढ़ सकता है, इसको 4 माह में पूरा तीसरा अध्याय पढ़ सकता है। इसी प्रकार से पहला अध्याय है और दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय को पढ़ने के लिए कम से कम 8 से 10 माह चाहिए होते हैं। 10 माह मान लीजिए ना, 10 माह में पहला अध्याय कंप्लीट होता है, ठीक है। और दूसरा अध्याय आपका 2 माह लेगा कम से कम, 2 मास, तो 1 वर्ष हो गई आपकी, और ये 4 महीने, 16 महीने हो गए, और ये हो गए आपके 18, 19, 19, 19 मास में आप चौथे अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे आगे का जो भाग है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये और जल्दी जल्दी करेंगे। 5वां अध्याय बहुत सरल है, 5वां अध्याय बहुत सरल है। इसमें 74 कक्षाएं बनी है, तो 5वें अध्याय में मुझे लगता है कम से कम 50 के करीब कक्षाएं बनेंगी, 50 के करीब कक्षाएं बनेंगी बस, ठीक। तो लगभग 1.5 माह में इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। 6वां अध्याय बड़ा है, उसकी थोड़ी कक्षाएं अधिक बनेंगी, ठीक है। 7वें और 8वें अध्याय की कक्षाएं मुझे अनुमान है 25-25 कक्षाओं में कंप्लीट हो जाएगा, 25-25 कक्षाओं में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति इस पूरे अष्टाध्यायी भाष्य को पढ़ना चाहते हैं तो 2.5 वर्ष का समय चाहिए, 2.5 वर्ष का, ठीक है। 2 वर्ष 6 माह लगभग चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए सबसे एक अपॉर्चुनिटी है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ना है, और जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। इसके लिए ही हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आपकी होगी परीक्षा, हम बार बार आपको पहले से ही बोलना आरंभ कर दिए थे कि तैयारी कीजिएगा, अब आपकी होगी परीक्षा। परीक्षा के लिए आपको इस पूरे अध्याय की, चौथे अध्याय की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको, आप जब भी पढ़ें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद या आज, 10 दिन आपको परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य लेने हैं। 10 दिन, 10 दिन की तैयारी करके तब परीक्षा देनी है, ठीक है। बस, क्योंकि ये तो कोर्स तैयार हो रहा है, ठीक है। 10 दिन आपको गैप देना है, 5वें अध्याय को पढ़ने से पहले 10 दिन इसका रिवीजन करना है, आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है। आपको अब इस कक्षा के बाद में आपको मिलेगा प्रश्न पत्र, फिर मिलेगा उत्तर पत्र, फिर होगा 5वें अध्याय का आरंभ। चलिएगा, तो अब मिलेंगे आगे की कक्षा में, ठीक है। तो आप सभी के सहयोग से और उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने आप में एक यूनिक तैयार किया है, जहां पर केवल हम शास्त्रों का अध्ययन ही करा रहे हैं। विश्व के अंदर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है और शायद ही नहीं होगा जो तो इस प्रकार क्रम से आपको अध्ययन कराने का संकल्प लेकर के कार्य कर रहा हो। आप सभी का हमें आर्थिक सहयोग अवश्य चाहिए, जिससे हम इस कार्य को और व्यापक रूप दे पाए। सर्वेभ्यो नमः।